देखने में अमिताभ बच्चन से लग रहे या नहीं? लग रहे या नहीं? मुंह कैसा लग रहा है इनका? अच्छा लग रहा। चलो जी लो। प्रधानाचार्य जो उस परिवार के मुखिया हैं और जो प्रबंधक हैं, मैं उनका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विभाग के जो दिल्ली से भी अफसर आए हुए हैं, अजय कुमार जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाएं। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी ताली बजाई। औरों के लिए एक बार अपने लिए उससे भी जोरदार ताली बजाएं। हमारी साथ, अगर आप नहीं हैं तो हम नहीं। स्वच्छ रहोगे कि नहीं? गंदा करोगे? नहीं। पड़ोसी के घर में गंदा करोगे? नहीं। फिर कहां करोगे? स्कूल में? नहीं। भारत सरकार ने दो तरह के डस्टबिन बनाए, आप जानते हो किस किस तरह के हैं? नीला और हरा। अच्छा ये बताओ, नीले में किस तरह का कूड़ा डालते हैं? ठीक। और ग्रीन में? प्यारे बच्चों, जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, ये जो आप लोगों के सामने जो टीम है, लोक कलाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान, जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, जैसे ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, टेलीफोन व्यवस्था, लड़का लड़की एक समान, हिंदू मुस्लिम एकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, गंगा सफाई और स्वच्छता अभियान और स्वच्छता मिशन, भारत सरकार ने ये दो अभियान चलाए। एक स्वच्छता मिशन है जो शहरी क्षेत्र के लिए है और एक स्वच्छता अभियान है जो देहात के लिए है। आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे रोज नहाकर आते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, जो कभी कभी नहाते हैं वो अधिकतर बीमार होते हैं। कभी उनको नजला हो गया, कभी उनको जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया। प्यारे बच्चों, जब हम लोग गंदगी करते हैं ना घर में, हम लोगों ने देखा होगा कि घर में मूंगफली केले खाए और बच्चों को दे दे जाए सड़क पर फेंक लिया, होता है ना सर अधिकतर? हाँ या ना? वो डस्टबिन नहीं है, वो सड़क है पीडब्ल्यूडी की। वो डस्टबिन थोड़ी है कि घर में मूंगफली खाइए, केले खाइए और जाओ सड़क पर डाल दिए। वो जो केले का छिलका आप सड़क पर डालोगे, उस पर किसी का पैर रखा जाएगा, पैर रखने के बाद उस पर इतनी सारी मक्खियां बैठेंगी उड़कर, एक सेकंड बाद वो मक्खी उड़कर आपके खाने पर बैठी, फिर आप उस गंदे खाने को खा लोगे, तो आप बीमार नहीं होगे तो क्या होगा? और एक बात और, हम लोग ना बड़ी तोहीन महसूस करते हैं कूड़ा उठाने में, लेकिन ये गर्व की बात है। विदेशों में आप जाएंगे तो वहां कोई सफाई कर्मी नहीं है, वहां कोई जमादार साफ करने के लिए नहीं आता, वहां सब लोग आप अपनी सफाई खुद करते हैं। मन ही मन हम लोग एक संकल्प लेंगे कि हम लोग जो हैं स्वच्छ रहेंगे और स्वच्छ रखेंगे।